में है, जगा उसे, बढ़ा उसे, यूं तोड़ तू जवाब दे, परवाह न कर हिसाब ले, ऐसा निभा फर्ज तेरा के देखता जहां रहे के पता चले, दुनिया को भी क्या बात है ये देश में, जो का मेथड है, कौन सा मेथड है, पास का पी फॉर बोल जा सेफ्टी में, आप सेफ्टी पिन निकालो। मेरा नाम जितेंद्र पाठर है, मैं आपको सुरक्षा रक्षक का काम, सिक्योरिटी और उसके बारे में बताऊंगा और फिर बाद में फायर की ट्रेनिंग भी आपको दे दूंगा। बराबर, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। सुरक्षा रक्षा का काम क्या है, जान की रक्षा करना। क्या करना है, जान की रक्षा, अपनी जान बचा के दूसरों की जान बचाना। बराबर, उसके बाद में इस परिसर की सुरक्षा करना। क्या करना है, ये परिसर जो हमारा है, इस परिसर की हमको क्या करना है, सुरक्षा करना है। जिस परिसर में हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं उस परिसर की हमको क्या करना है, सुरक्षा करना है। उसके बाद में और सबका बराबर सम्मान करना है। तीसरा क्या है, सबका बराबर सम्मान करना। हम लोग जब आते हैं और जाते हैं, हम लोग एक गेट पे हैं, बराबर, कि किसी की हमको क्या होती है, जब आँख मिचौली होती है उनका और हमारा देखना होता है, हमें पहले देखना होता है। हाँ, अब इनको आप पीछे जाओ, हाँ नहीं रहने दो, हाँ ठीक है। तो जैसे हम लोग खड़े हैं कहीं पे भी, गेट पे खड़े या अंदर खड़े, जब भी हम लोग खड़े रहेंगे इस तरह से नॉर्मल में खड़े रहेंगे, बराबर, जब खड़े एक जगह पे खड़े रहेंगे तो इस तरह से रहेंगे, बराबर। और जैसे आपको लगता है कि कोई सामने से आ रहा है, हमारे सीनियर आ रहे हैं, हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, चेयरमैन आ रहे हैं, अभी जैसे ये है, बराबर कि नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह से आप रहोगे तो इस तरह से आना है, जय हिंद सर, ये करना है आपको, समझ गए। इतना सिंपल सी बात है, क्या करना है हमको, हम लोग विश्राम में रहेंगे तो हमको सावधान में क्या करना है, सावधान में आना, ये बटन लगाने, हाँ, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें, अभी आप गेट खोलते हो, बराबर कि नहीं, गेट खोलते हो, आपको लगता है कि कोई पर्सन है, विजिटर है या मालिक है यहाँ के, तो आपको क्या करना है, जैसे गेट आप गेट पकड़े हो, रस्सी पकड़े हो, लेफ्ट में देखना है, राइट में देखना है, बराबर कि नहीं, लेफ्ट में रह, जब तक आप उनकी गाड़ी का ये नहीं करते हो, उनको गाड़ी देखते हो ना, जैसे गाड़ी देखा आपने, रस्सी तो नहीं चाहिए, पर आप विश्राम में हो या सावधान में हो, पर रस्सी आपके सामने रहेगी और उसी बात में आपको ये सल्यूट मारना है, जय हिंद सर, और फिर हाथ नीचे करके आपको रस्सी ऊपर लेना है। ये ध्यान में रखते हुए लेफ्ट में भी देखना, राइट में भी देखना है और चीज़ें करनी है। आप क्या करते हो, चेयर पे बैठे रहते हो, किसी का स्वागत करते हो, आप शादी में जाते हो कि नहीं, शादी में जाते हो, लगना जातो ना अपन, जब काय करतो अपन, बसूनच असं नमस्कार करतो का, जो येतो त्याचा स्वागत करण्यासाठी काय करतो आपण, गेटवर उभे राहतो की नाही, नमस्कार करते, वेलकम करते, तो ये वेलकम होना चाहिए, कोई भी अंदर आता है कोई भी बाहर जाता है, क्या होना चाहिए, वेलकम होना चाहिए, सुस्वागतम, जो भी आ रहा है जो भी जा रहा है तो उनका क्या होना चाहिए, जाने के टाइम गुड मॉर्निंग सर, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो, समझ गए। ये चीज़ें आपको बोलनी है, सिर्फ डंडा ऊपर करना नीचे करना ये अपना काम नहीं होना होता है, स्वागत करना, मान सम्मान भी करना होता है ना, बराबर है कि नहीं। अभी उनकी कैटेगरी कितनी बड़ी लंबी होती है, मालिक रहते, कंपनी के मालिक रहते, मैनेजर रहते, बड़े बड़े पोस्ट रहते उनके, तो उनके लिए हमको क्या करना है, स्वागत सम्मान उनको करना है, बराबर। सुरक्षा रक्षक का काम क्या रहेगा, रिस्पेक्ट करना, बराबर। रिस्पेक्ट कैसे करोगे, तो रिस्पेक्ट खड़े होके ही किया जाता है, बैठे हुए नहीं करते, जैसे कुछ नहीं सामसूम है, हम बैठे हैं तो बैठेंगे तो भी कैसे बैठेंगे, बराबर कि नहीं, बैठेंगे तो भी
हम लोग इस तरह से एकदम स्ट्रेट रहेंगे, हमारी जो बॉडी है, बॉडी की लेवल है, ये स्ट्रेट रहेगी। ऐसा नहीं कि ऐसे बैठे हैं, पैर उठा के बैठे हैं, तो ये पोजीशन हमारी स्ट्रेट रहेगी। हमारा पार्टी का खाना जो है तो सरल एकदम टाट पाइजे, तो ये सुरक्षा रक्षक का काम है। जान की रक्षा करना और इस परिसर की सुरक्षा करना और सबका बराबर सम्मान करना, बराबर आपको समझ में आए। अभी आप लोग विश्राम में हो, विश्राम में हमारे दोनों पैरों में की एड़ी में कितना इंच लंबाई होगी? 12 इंच। एड़ी में 12 और पंजे में 16 इंच के हिसाब से हम लोग खड़े रहेंगे इस तरह से, बराबर कि नहीं? हाँ। और उसके बाद में हम सावधान में आने के लिए हमारा लेफ्ट पैर ऐसा उठाएगा और ये पोजीशन में रहेगा, यानी पीछे से हाथ हमारा कैसे आएगा इस तरह से, बराबर ये। मगर हम लोग को पैर उठा के आपको पटकना है, ये ध्यान में रखते हुए आपको ये काम चीज़ें करनी है, समझ गए? जैसे सावधान में हम आ गए, सावधान में आने के बाद हम इस तरह से क्या करेंगे? सल्यूट करेंगे। देखो पांचों के पांचों उंगलियां बंद रहेगी, क्या रहेगी? बंद रहेगी, ठीक है? समझ गए आप लोग? हाँ प्रेड। अभी आप लोग सावधान में आओगे, हाँ मैं बोलूँगा प्रेड एक साथ सावधान, तो आप सावधान में आओगे, ठीक है? प्रेड एक साथ सावधान, सावधान इस तरह से देखो खाली, नहीं तो सर को देख। देखो मैं बता रहा हूं आपको, अभी ये मेरे लिए प्रेड एक साथ सावधान, मेरे लिए सिर्फ माजा सटी, देखा? इस तरह से हमको आना है, हा? जैसे मैं आप लोग विश्राम में हो, मेरे लिए सिर्फ मेरे लिए आप देखो मैं कैसे रहता हूं। प्रेड मेरे लिए सावधान, आ गया मैं सावधान में, बराबर? जैसे मैं बोलूंगा प्रेड मेरे लिए सलूट, यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूंगा? जय हिंद सर बोलूंगा और नीचे क्या करूंगा? जय हिंद सर बोलूंगा और तुरंत हाथ नीचे करूंगा। उसी तरह आप जैसे कोई आता है जाता है उनको इस तरह से आप क्या करोगे? जय हिंद सर और तुरंत हाथ नीचे। फिर बाद में आपको गेट खोलना है, बंद करना है, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, मगर हमारी आँख मिचौली उनके साथ होनी चाहिए, ठीक है? अभी मैं बोलूँगा आपको सावधान, तो आपको सावधान में आना है, ठीक है? समझ गए? यहाँ से हाथ होके कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, यानी ऐसे देखो ये यहाँ से यहाँ तक प्रेड एक साथ। अभी विश्राम में रहो, प्रेड एक साथ सावधान, सावधान ये दोनों मूड यहाँ पे आपको ये हाथ पीछे से इस तरह से लाना है, ठीक है? प्रेड एक साथ विश्राम, विश्राम विश्राम मधे हाथ पाठी मागे, हाथ पीछे और 12 और 16 इंच का फासला रहेगा, बराबर? या ध्यान में रखो आपको इस तरह से जहां पे पोस्ट है उस तरह इस तरह से हमको क्या करना है? खड़े रहना है, ठीक है? देखो अंतर देखो 12 और 16 इंच, आप मालूमात करो 12 इंच कितना होता है, 16 इंच कितना होता है, ठीक है? प्रेड एक साथ सावधान, सावधान में आ गए सावधान। अरे एड़ी से एड़ी मिला हो, हाँ। और ये हाथ इस तरह से टाइट रखो, बराबर? अभी आपको सलूट मारना है, कैसे मारोगे? जय हिंद सर और हाथ नीचे तुरंत, समझ गए? जैसे सलूट बोलूंगा क्या करोगे आप? थोड़ा लाम क्या करना इस तरह से, जय हिंद सर बोलोगे, क्या करोगे? जय हिंद सर, ठीक है? प्रेड एक साथ सलूट, हाथ नीचे तुरंत, हाथ नीचे, हाथ नीचे, समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे आने के बाद जय हिंद बोलना है और तुरंत हाथ नीचे, जैसे यहाँ पे पांचों के पांचों उंगलियां बंद रहेगी आपकी इस तरह से, और यहाँ पे आएगा और हाथ मोड़ के नीचे की तरफ तुरंत, पांचों ध्यान में रखो पांचों उंगलियां। अभी आप सावधान पोजीशन में रहो, एड़ी से एड़ी मिली, पंजे में 6 इंच का फासला और इस तरह से प्रेड एक साथ सलूट, हाथ नीचे तुरंत, जोर से बोलो जय हिंद, सबको आवाज आना चाहिए, मेरी आवाज जितनी है उतनी आपकी आवाज होनी चाहिए। प्रेड एक साथ सलूट, हाथ नीचे, ये आवाज आपको जहां जहां पे पोस्ट है वो
वहाँ पे बोलना है कर लगा सका ना करते हैं करना है आपको ठीक है प्रेट एक साथ सलूट हाथ नीचे तुरंत हाथ नीचे करना है ये उनका ध्यान और हमारा ध्यान दोनों का एक तरफ होगा तो अब आपको ये चीजें करनी है तुरंत करनी है जैसे किया जय हिंद सर और फिर अपना काम गेट खोलना ओपन करना ये करना ठीक है समझ गए लक्षात राहिल सिर्फ चेयर पे बैठना नहीं है कोई आता है तो सामने खड़े रहना है खड़े रहने की ड्यूटी होती है हमारी दो कदम आगे दो कदम पीछे देख के हमको आगे पीछे का देखना होता है इस तरह से समझ गए सुरक्षा रक्षा का काम क्या है जान की रक्षा करना इस परिसर की सुरक्षा करना और सबका बराबर सम्मान करना ई फॉर ईगल आई यानी तीक्ष्ण नजर से दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देख के हमको इस परिसर की सुरक्षा करना अगर कोई दिखाई देता है तो सी फॉर करेजियस ये देखो एस ई सी यू आर आई टी वाई सी फॉर करेजियस यानी धाड़स करेंगे रोकेंगे टोकेंगे सवाल जवाब करेंगे उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए धाड़स होना चाहिए धाड़स बराबर उसके बाद में सी के बाद यू फॉर यूनिफॉर्म हमेशा यूनिफॉर्म में रहोगे आईडी कार्ड के साथ बराबर ऊपर का बटन सब लगा के आपको रहना है ऐसा नहीं कि मेरा बटन टूट गया कैसे भी नाइट हो या डे हो यूनिफॉर्म में आप रहोगे शेविंग करके ही रहोगे समझ गए बाल कम से कम रहेंगे जिस तरह से पुलिस होता है उस तरह से हमारा सुरक्षा रक्षक का हेस होना चाहिए उसके बाद में आर आर फॉर रोबस्ट सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए रोबस्ट मजबूत मजबूत कैसे होगा मजबूत कैसे होगा ताकत कैसे आएगी जब आप दो कदम आगे दो कदम पीछे किसी को पकड़ना है तो मजबूती के साथ पकड़ोगे कि नहीं रोकोगे कि नहीं तो ये मजबूती चाहिए 12 घंटा हमको ड्यूटी करनी रहती है तो 12 घंटे में हमको लेफ्ट राइट समझ गए मजबूती के साथ ड्यूटी करना है सिर्फ बैठे रह के नहीं रहना है समझ गए हाँ हमने यूनिफॉर्म पहना है एक सुरक्षा रक्षक है कोई गली का इसका बिल्डिंग का वॉचमैन नहीं है सुरक्षा रक्षक सिक्योरिटी लिखा गया है समझ गए यू के बाद आर आर के बाद आर आर यानी रोबस्ट समझ गए ना मजबूत आई फॉर साधारण आग यानी अरे साधारण आग यानी क्या जनरल फायर बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं उसको जनरल फायर लकड़े को लगी हुई आग कपड़े को लगी हुई आग कचरे को लगी हुई आग फुट्टे को लगी हुई आग ये साधारण आग हो गई ये साधारण आग हम लोग क्या कर सकते हैं पानी से भी बुझा सकते हैं समझ गए सब लोग साधारण आग पानी से भी बुझाया जाता है बराबर उसके बाद में लिक्विड बी क्लास यानी लिक्विड फायर अभी देख सकते हो आप ये एबीसी का फायर एक्सटिंग्विशर है बराबर बी क्लास यानी लिक्विड फायर यानी पेट्रोल डीजल केरोसिन को लगी हुई आग को क्या बोलेंगे हम लोग लिक्विड फायर बराबर समझ गए उसके बाद में सी क्लास यानी गैस की लगी हुई आग उसको हम लोग कैसे बुझाएंगे एबीसी का फायर एक्सटिंग्विशर है उससे हम लोग बुझाएंगे बराबर उसके बाद में कौन सा क्लास है डी क्लास यानी मेटल फायर कौन सा फायर मेटल यानी धातु को लगी हुई आग बड़े बड़े कंपनियों में रहते हैं ना धातु समझ गए तो उसको लगी हुई आग तो ड्राई केमिकल पाउडर से हम लोग वो आग बुझाएंगे उसके बाद में ई क्लास यानी इलेक्ट्रिसिटी फायर बराबर कैसे आग बुझती है वो इलेक्ट्रिसिटी फायर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन सा तो ये सारे चीजें आपको क्लासेस ऑफ फायर पता चला ए क्लास साधारण आग बी क्लास लिक्विड फायर सी क्लास गैस की आग डी क्लास मेटल फायर और ई क्लास इलेक्ट्रिसिटी फायर समझ गए सब लोग समझ गए अभी आग को बुझाना कैसे आग कैसे लगती है मालूम है कैसे
तीन चीजें ट्रायंगल ऑफ फायर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? ट्रायंगल ऑफ फायर, यानी हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये तीन चीजें हैं, जो तीन एक साथ आती है तो क्या होता है? आग लगती है। हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। हीट यानि गर्मी, बराबर, माचिस की तीली, गर्मी कब बढ़ेगी? हाँ, उसके बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे सराउंडिंग एरिया में है ही, बराबर। आपने दिया जलाया, दिया जला के ऊपर, उसके ऊपर अगर फुट्टा रखा, कुछ रखा, तो क्या होता है? दिया बुझ जाता है ना, उसका दम घुट जाता है। तो ये ऑक्सीजन उसको ज़रूरी रहता है। बाद में फ्यूल, फ्यूल का मतलब ए बी सी, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, ई क्लास, ये सारे क्या है? फ्यूल है। यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन पकड़ो, लकड़ा पकड़ो, गैस पकड़ो, इलेक्ट्रिसिटी पकड़ो, ये सारी चीज़ें क्या है? फ्यूल। उसके अलावा आग लग नहीं सकती। तो फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, ये तीन चीज़ें एक साथ आती है तो आग लगती है। और तीनों चीज़ों में से एक को अगर हम लोग निकाल दें तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी। तो आग कैसे बुझेगी? हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? साधारण आग लगती है। हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कूलिंग करेंगे। क्या करेंगे? कूलिंग करेंगे, यानी पानी से आग बुझाएंगे। लेकिन साधारण आग रहेगी तो हम लोग पानी से बुझा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हम लोग पानी से नहीं बुझाएंगे, ध्यान में रखो। इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हम लोग को पानी से बुझाना नहीं है, हमको ब्लैंकेटिंग करना है। क्या करना है? ब्लैंकेटिंग, यानी उसके ऊपर चादर। चादर कौन सी है? सैंड बकेट। फिर बाद में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर। हमारा ये फायर एक्सटिंग्विशर क्या करेगा? आग को बुझाएगा। पानी का इस्तेमाल, इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो नहीं करना है। अभी ये कौन सा, ये क्या है? फायर हाइड्रेंट सिस्टम है हमारा। क्या है? फायर हाइड्रेंट सिस्टम है। ये फायर होज बॉक्स है। क्या है? फायर होज बॉक्स। क्या उसके अंदर क्या है? कैनवास, होज पाइप। बड़ी आग लगती है तो हम लोग को आखिर में पानी से ही बुझाना होता है, मगर सप्लाई सारी चीज़ें बंद करनी रहती है। क्या करनी रहती है? बंद करनी रहती है। ये ध्यान में रखते हुए आपको ये सारी चीज़ें मालूमात होना चाहिए। हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कूलिंग करेंगे। क्या करेंगे? कूलिंग करेंगे, यानी पानी से आग को बुझाएंगे। ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ब्लैंकेटिंग करेंगे। क्या करेंगे? ब्लैंकेटिंग करेंगे, यानी फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाएंगे तो ब्लैंकेटिंग, उसके ऊपर पाउडर का लेयर आ जाएगा और आग बुझ जाएगी, बराबर। उसके बाद में हम लोग फ्यूल को हटाने के लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हम लोग फ्यूल को पहले हटाएंगे। क्या करेंगे? उसका सप्लाई मेन बंद करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? सप्लाई पहला बंद करेंगे। आपको जानकारी होना चाहिए यहाँ का सप्लाई किस तरह से बंद करेंगे। जहाँ पे आपको लगता है धुआं आ गया, आग लग रही है, आपको पहले मेन सप्लाई बंद करना है। हमारे यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर होता है, मगर उसको ऑपरेट करना भी हमको मालूम होना चाहिए। ऑपरेट कैसे करेंगे? ऑपरेट करने के लिए कौन सा मेथड है? ये फायर एक्सटिंग्विशर है, इसको ऑपरेट कैसे करेंगे हम लोग? पास का मेथड है। कौन सा मेथड है? पास, यानी पुल द सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन को निकालना है हमको। क्या करना है? ये सेफ्टी पिन को हम लोग निकालेंगे। उसके बाद में पुल द सेफ्टी पिन, पी फॉर, जोर से बोलो, पी फॉर पुल द सेफ्टी पिन। यानी ये सेफ्टी पिन को हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे। क्या करेंगे? निकालेंगे पुल द, जैसे हमने इसको पकड़ा है, मैं पहले क्या करूंगा? जोर से बोलो, पुल द सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन को मैं निकालूंगा, उसके बाद में मैं क्या करूंगा? एम द बेस ऑफ फायर, जहां पे आग लगी है वहां पे मैं क्या करूंगा? एम करूंगा। यानी आग लगी है, एम द बेस ऑफ फायर। बेस का मतलब क्या है? नीचे की तरफ, जहां से आग को शुरुआत होती है। एम द बेस ऑफ फायर, बराबर। उसके बाद में मैं क्या करूंगा? पी ए डबल एस, पी फॉर पुल द सेफ्टी पिन, ए फॉर एम द बेस ऑफ फायर, एस फॉर स्क्वीज द लीवर। ए लीवर को मैं क्या करूंगा? दबाऊंगा। उसके पहले दबाऊंगा तो पहले ही पाउडर निकल जाएगी। किधर भी निशाना अगर मैंने रखा नहीं और मैंने दबा दिया तो क्या कहीं पे भी
पाउडर जाएगी जहाँ पे उसका होस पाइप है। अभी जो बड़ा फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसको होस पाइप होता है, बराबर कि नहीं? तो ये होस पाइप को पकड़ है, हाँ तो क्यों ना, हाँ इकड़े समृद्ध है ना, समझ गए? तो उसको होस पाइप होता है, तो होस पाइप को हमको पकड़ के एम करना है, यानी निशाना लाना, निशाना लगाना है। क्या करना है? निशाना लगा के हमको रखना है, और बेस को हमको, बेस के निशाने को आपको ये करना है। या ना बोलो, आप भी आ जाओ ना। हाँ हाँ, यहाँ पे रहो सामने। देखिए बने ना, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आपने फायर एक्सटिंग्विशर, आग लगी थी यहाँ पे, स्मोक हुआ था ना, बराबर कि नहीं? वैसे हमको क्या करना है, ये सील को पहले तोड़ना होता है। क्या करना होता है? तोड़ना होता है। आप इसका फायर एक्सटिंग्विशर का गेज देखते हो, गेज देख रहे हो ना आप? देखा ना, ये गेज को देखना है, ये हरे पे होना चाहिए, यानी गेज यानी इसके अंदर प्रेशर है। क्या है? ये पाउडर इसके अंदर जो होती है वो निकलने के लिए प्रेशर दिया जाता है। तो पुल द सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन को मैंने निकाला, फिर बाद में क्या करूंगा मैं, इस तरह से क्या करूंगा, हाँ आप आइए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे खड़े रहिए, ऐसे यहाँ पे आप देख सकते, हाँ हाँ हाँ, पकड़ लो, थोड़े इधर इधर खड़े, इकड़े दियो ना, हाँ यहाँ पे खड़े, हाँ। अभी पुल द सेफ्टी पिन, क्या करना है जोर से बोलो, पुल द सेफ्टी पिन को निकालना है। सेफ्टी पिन को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाएंगे ये अंगूठे को, नहीं तो निकलेगी नहीं। ये सेफ्टी पिन सील को तोड़ेंगे और सेफ्टी पिन को निकालेंगे, बराबर? थोड़ा आगे जाओ, और उसके बाद में क्या करोगे, एम द बेस ऑफ फायर, ये लेफ्ट हैंड ले लो, हाँ ये ऐसे पकड़ेंगे, क्या करेंगे, निशाना लगाएंगे। निशाना कहाँ पे लगाएंगे, एम द बेस ऑफ फायर, समझ गए? क्या करेंगे, एम द बेस ऑफ फायर, निशाना हमने लगा दिया, बराबर। उसके बाद में क्या करेंगे, ये स्क्वीज द लीवर, जोर से बोलो, स्क्वीज द लीवर, लीवर को क्या करेंगे, दबाएंगे, लीवर को दबा के फिर उसके बाद में स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड, समझ गए? समझ लगा सका ना? अभी ये फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने से पहले हमको क्या करना है, आग को अपना सब ये मेन सप्लाई बंद करना है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की फायर होती है तो क्या करना है, मेन सप्लाई बंद करके ये फायर एक्सटिंग्विशर का हमको इस्तेमाल करना है। क्या करना है, इकड़े अपना कैमरा चलो, समझ गए आप लोग? सगे ने समझ ला, जोर से बोला, सबको समझ में है? जोर से बोलो, पुल द सेफ्टी पिन, आप दिखाओ, पुल द सेफ्टी पिन, फिर बाद में एम द बेस ऑफ फायर, जोर से बोलो, एम द स्क्वीज द, स्क्वीज द लीवर, लीवर को दबाएंगे, फिर बाद में स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड, समझ ला सका ना? सब लोग आके दिखा दो मुझे फटाफट, एक एक करके आप आ जाओ, आप आ जाओ, खाली इसको पकड़ो, हाँ पकड़ो, सब लोग को बोलना है, क्या बोलना है, हाँ लेफ्ट हैंड में पकड़ो, हाँ लेफ्ट हैंड में, क्या करोगे आप, पहले सील नीचे रखो पंखते, तो नहीं तो यहाँ पे रख दो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे रहो, हाँ बोलो जल्दी फटाफट। पहले क्या करोगे, पास का मेथड है, कौन सा मेथड है, पास का, पी फॉर पुल द सेफ्टी पिन, आप सेफ्टी पिन निकालो, निकालना है, दिखाना है कि मैं सेफ्टी पिन इस तरह से उखाड़ना है आपको, हाँ ये सील तोड़ दिया आपने, फिर बाद में ये पुल द सेफ्टी पिन, बराबर समझ गए आपको, फिर बाद में आप दिखाओ दूसरा,
हाँ, एम द बेस ऑफ फायर, जोर से बोलो, एम द बेस ऑफ फायर, यानी जहां पे आग लगी है निशाना लगाना है, क्या बोलना है, एम द बेस ऑफ फायर, फिर बाद में इसको दबाना, यानी स्क्वीज द लीवर, फिर बाद में स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड, समझ में आया, वापस दूसरा आ जाओ आप, ये बोलो आप, तब आपको पता चलेगा पहले क्या है, कौन सा मेथड है फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने के लिए, पास का मेथड है, कौन सा, पोल द, हाँ निकाल निशाना, ये करो, हाँ दिखाओ ऐसा कि पुल द सेफ्टी पिन, सील तोड़ना है, फिर पुल द सेफ्टी पिन करना है, फिर एम द बेस ऑफ फायर, क्या करना है, एम द बेस ऑफ फायर, फिर बाद में स्क्वीज द लीवर, यानी लीवर को दबाना है, और स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड, नेक्स्ट नेक्स्ट दूसरा, आप आ जाओ फटाफट, क्या बोलना है, पहले सील को तोड़ना है, फिर बाद में बोला पुल द सेफ्टी पिन, फिर बाद में एम द बेस ऑफ फायर, एम द बेस ऑफ फायर, क्या बोलेंगे, हाँ तो स्क्वीज, बाद में क्या करेंगे, दबाएंगे स्क्वीज, दबाएंगे यानी लीवर को दबाएंगे, स्क्वीज द लीवर, फिर बाद में उसको लेफ्ट राइट साइड बाय साइड, स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड, हाँ पाइप है जो साइड बाय साइड, हमको जहाँ पे आग लगी है वहां पे हमको ये करना है, फिर आप आ जाओ, अभी समझ गए सब लोग क्या करना है, ये फायर एक्सटिंग्विशर कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सा मेथड है, पास बराबर पी फॉर पुल द सेफ्टी पिन, ये सेफ्टी पिन को इस तरह से निकालना है, पहले सील को तोड़ना है, फिर बाद में एम द बेस ऑफ फायर, ये निशाना लगाओ पहले वो हाथ से, लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से सामने देखना है, बेस कहाँ पे है वहां पे आपको ये निशाना लगाना है, समझ गए, उसके पहले हमको दबाना नहीं है ऊपर से बराबर, फिर बाद में क्या करोगे, स्क्वीज द लीवर, लीवर को क्या करेंगे, दबाएंगे, क्या करेंगे, स्क्वीज द लीवर, और बाद में घुमाना है लेफ्ट राइट, स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड, ओके नेक्स्ट आ जाओ फटाफट, किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, कौन सा मेथड है, पास पी फॉर पुल द सेफ्टी पिन, हाँ फिर बाद में जोर से बोलो एम द बेस ऑफ फायर, फिर बाद में स्क्वीज द लीवर, लीवर को दबाना है, फिर बाद में स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड, ठीक है नेक्स्ट आ जाओ आप, ये आपको मालूमात होना चाहिए, जैसे आप इसका एक्सपायरी हो गया हम लोग आग लगा के उसका हम लोग डेमो भी कर सकते हैं, समझ गए, लेकिन फिलहाल हम लोग बता रहे हैं कि जानकारी हमको मिलनी चाहिए, क्या करेंगे, पहले सील को तोड़ेंगे, पुल द सेफ्टी पिन निशाना, हाँ फिर बाद में बेस ऑफ फायर, फिर बाद में लीवर को हम लोग दबाएंगे एंड स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड, समझ गए नेक्स्ट आ जाओ, ये फायर एक्सटिंग्विशर है, क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर, कौन सा है, एबीसी टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, एक ला साधारण आग के लिए, पेट्रोल डीजल केरोसिन की आग लगने के बाद भी हम लोग यूज कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी फायर गैस फायर को भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बराबर, क्या करेंगे, पहले सील को तोड़ेंगे, फिर बाद में पुल द सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन को निकालेंगे, ध्यान में रखो सेफ्टी पिन को निकालने के बाद ये जो येलो कलर का है वो भी निकलेगा, बराबर, उसके बाद में ये लीवर दब जाएगा, क्या करेंगे, एम द बेस ऑफ फायर, फिर बाद में स्क्वीज द लीवर, फिर बाद में स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड, समझ ला, ठीक है सबको समझ में आया, ये ध्यान आप वहाँ पे रही, अभी आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे फायर के इक्विपमेंट्स कौन से हैं, ये फायर एक्सटिंग्विशर हुआ, जैसे आग लगती है उसके बाद में हमको बुझाना होता है, मगर आग जब लगती है पहले धुआं आता है, तो ये क्या है मालूम है आपको, ये धुआं यानी स्मोक डिटेक्टर, क्या बोलते हैं उसको, ये स्मेल करता है, क्या करता है, स्मोक स्मेल करता है, यानी सेंसर से इसके अंदर धुआं चला गया तो ये ब्लिंकिंग जो करता है वो ब्लिंकिंग स्टॉप होगा, क्या होगा, ब्लिंकिंग स्टॉप होगा, और इसके अंदर जो इसके अंदर लाइट जो है ब्लिंकिंग करती है वो हमेशा
चालू ही रहेगी, ब्लिंकिंग नहीं करेगी। फिर बाद में ये हुटर होता है, ये हुटर बजता है, क्या होता है, हुटर बजता है। ये अगर स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है और ये हुटर लगा हुआ है तो ये आप यहाँ पे भी अगर रहोगे तो ये हुटर बजेगा और आपको इतला हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, फायर हुआ है, आग लगी है, स्मोक डिटेक्टर यानी धुआं चला गया उसके अंदर। फिर बाद में ये हुटर बजेगा और आपको बता देगा, ये हुटर और ये स्मोक डिटेक्टर। और दूसरा क्या है, ये हमारे स्टेयरकेस में लगा हुआ होता है, क्या होता है इसको, क्या बोलते हैं इसको, मैनुअल कॉल पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको, मैनुअल कॉल पॉइंट। तो मैनुअल कॉल पॉइंट कोई अगर दबाता है तो हमें इतला किया जाता है कि सुरक्षा रक्षक को कि वहाँ पे कोई खतरा है। ये सारे चीज़ें हैं, ये स्मोक डिटेक्टर है, ये मैनुअल कॉल पॉइंट है, इसका एड्रेसेबल पैनल होता है, क्या होता है, एड्रेसेबल। अगर ये कहीं पे भी लगा हुआ है ये पूरे टावर में तो कहाँ पे लगा हुआ है उसका लोकेशन बताया जाता है। लोकेशन क्या होता है, बिल्डिंग नंबर, फ्लोर नंबर 28, 24, 23 कहीं पे भी है, ये एक्टिवेट होता है तो वहाँ का लोकेशन बताया जाता है। और लोकेशन सिक्योरिटी के सामने एड्रेसेबल पैनल होता है, वहाँ पे दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, एड्रेसेबल पैनल, एड्रेस दिखाई देता है कि वहाँ पे हुआ है, किसी ने मैनुअल कॉल पॉइंट दबा दिया है कि मुझे सुरक्षा रक्षक की जरूरत है तो वो दबाएगा और इतला करेगा और सायरन बजेगा, क्या बजेगा, ये सायरन बजेगा, हुटर बजेगा और आपको पता चलेगा कि आप एड्रेसेबल पैनल में देखोगे तब आपको पता चलेगा। समझ गए, समझ लो सका ना, हाँ। तो ये चीजें, स्मोक डिटेक्टर है और ये मैनुअल कॉल पॉइंट है। ये स्मोक डिटेक्टर ऑटो में होता है, मैनुअल कॉल पॉइंट हम लोग जब तक हम लोग उसको दबाते नहीं है तब तक ये दबेगा नहीं। तो ये और दूसरा ये क्या है मालूम है आपको, हाँ क्या है ये, स्प्रिंकलर, क्या बोल रहे इसको, नाम क्या है, स्प्रिंकलर, कौन सा नाम है इसका, स्प्रिंकलर। ये स्प्रिंकलर किसके लिए होता है, ये भी ऑटो में होता है, इसका टेम्परेचर हीट हुआ यानी 68 डिग्री क्रॉस किया तो क्या होगा, 68 डिग्री क्रॉस करेगा तो अब क्या होगा, ये फटेगा। आपने देखा रहेगा यहाँ पे सब जगह पे लगे हुए रेड कलर का पाइप है, उसको ये अटैच होता है, जहाँ पे गाड़ियाँ होती है वहाँ पे लगा हुआ होता है और जहाँ पे फ्लोर है वहाँ पे लगा हुआ होता है। तो ये जो स्प्रिंकलर है ये फायर हाइड्रेंट, जैसे ये फायर हाइड्रेंट है वो फायर हाइड्रेंट की लाइन को अटैच होता है, बराबर है। ये आग लगी है नीचे, आप लोग नहीं वहाँ पे रहेंगे तो भी वो आग का टेम्परेचर होता है यानी हीट, गर्मी बढ़ती है तो 68 डिग्री क्रॉस करने के बाद ये फटता है। और ये फटने के बाद जो प्रेशर होता है पानी के अंदर, हमारे फायर हाइड्रेंट सिस्टम में प्रेशर होता है, वो प्रेशर से क्या होता है, वो सराउंडिंग एरिया शावर की तरह पानी बरसता है। समझ गए आपको लोग, ये जो आप देख सकते हो ये स्प्रिंकलर है, ये पाइप को अटैच होता है, इतना बड़ा होता है और ये कितना भी आप लंबा कर सकते हो क्योंकि वो नीचे जब तक इसको नहीं, ये मर्क्यूरी ट्यूब है, ये मर्क्यूरी ट्यूब जो है वो जब तक हीट नहीं होती है तब तक ये फटेगा नहीं, और फटेगा नहीं तब तक पानी निकलेगा नहीं, बराबर। और इसके अंदर प्रेशर रहेगा तो प्रेशर के साथ पानी आएगा, समझ गए आप लोग, हाँ। ये स्प्रिंकलर पता चला, स्प्रिंकलर का काम क्या है, टेम्परेचर हीट होने के बाद वो ऑटोमेटिक फटेगा, बराबर। ये क्या है समझ में आया आपको, क्या है, हाँ, स्मोक डिटेक्टर, क्या है इसके अंदर क्या जाएगा, धुआं, क्या जाएगा, धुआं जाएगा। ये इसके अंदर धुआं जाने के बाद क्या होगा, सेंसर मालूम है, सेंसर क्या करता है, धुआं अंदर चला जाएगा तो सेंसर सेंस करता है, यानी पहले ही ब्लिंकिंग होता है, अगर चालू कंडीशन में है तो ये ब्लिंकिंग पहले से होगा और जब भी उसके अंदर धुआं चला जाएगा तो इसका लाइट कंटिन्यू चालू ही रहेगा। चालू रहने के बाद क्या बजेगा, पर्दे के पीछे कुछ है रखने का, खाना खाने का, बाकी सब लोग अपना अपना विंग में खाना खाते हैं, विंग में दरवाजे के पीछे वर्दी चेंज करो, सब कुछ वहीं करो। सुबह सुबह कहाँ है,
सात बजे विंडो खुला रहेगा, दरवाज़ा खुला रहेगा, फैन चालू रहेगा। आठ बजे के बाद जब सबका हो जाता है फिर बंद करने का, ठीक है? रोज का नियम 25 बार बोल चुके हैं। आज लास्ट टाइम मैं आप लोगों को बोलता हूँ, 4 बजे मैंने आज 3 आदमी को सोते हुए पकड़ा लिया, 4 बजे। अरे 12 से 4 के बीच में फोटो देखो, हैं, गाना सुनो, पिक्चर देखो, ठीक है, लेकिन 4 बजे के बाद सोना गलत है, हैं? तुमको खास तरह से वार्न किया था, हैं? तुम अकवा सोते हुए पकड़ा। 4 बजे मैडम जाती है, 5 बजे जाती है, बड़े बड़े चिक चिक करती है। लंबे मैसेज दिखाऊं क्या होता है इधर? एक ही चीज सबको बोलने का, पुरानी लिफ्ट में जाओ, पुरानी लिफ्ट में आने का, नई लिफ्ट में उतर करके आता है पकड़ने का, उसका पास जमा करने का। ए ब्लॉक में कल कौन था? हाँ, तो भाई आई, ओ उसमें काम चल रहा था, चल आ जाए इधर, पास दिखा, पास मैंने जमा किया। बैक गेट में कौन है? बैक गेट में, हाँ, पास इधर जमा है, उसका पास देखने का, जो नई लिफ्ट में आते हैं पास देखने, हाँ ठीक है, ठीक है, जाओ इधर जमा करने का। 7 दिन ए गेट से आएगी। बैक गेट में किसका भी डीटी लग जाता है, बिना पास के किसको छोड़ने का नहीं। बाहर जाने वाले के टाइम भी पास देखने का, समझ में आया? मैं बोलेगा मैं अभी गया था। सब लोग पास टोपी होगी, रात वाले पास टीटी होगी, ये बाएं जेब में होगा। और कहाँ है ये जो सुबह रात भर पहन के रखते हो, कहाँ है एक आदमी पहना हुआ था इधर? हाँ, ये 6 बजे के बाद ये कुछ नहीं पहनने का, ठीक है? रात को पहनो, ये जो पहने थे ये दिखाई नहीं देना चाहिए। बहुत कुछ है तो काला पहन लो, काला टी शर्ट पहन लो। दो दिन में 3 दिन में तो दाढ़ी जरूर बनाओ, है? कुछ चीज़ें हैं जो खास तौर से बताया गया है, किसी का पार्सल नहीं लेने का, किसी का पार्सल रखवाने का नहीं। रेजिडेंट वाला घर में बुलाता है, चेक लेके जाओ, लेटर लेके जाओ, ये दे के जाओ, ना, बिल्कुल ना बोलने का। सीधा जो पकड़ा गया उसका वो जिम्मेदार हम है, मेरा नाम ले लो, मैंने मना किया है, हम किसी का कोई पार्सल नहीं लेंगे, किसी का कोई सामान नहीं रखेंगे, गार्ड के पास कुछ नहीं चाहिए, एकदम चारों तरफ क्लीन चाहिए। जो भी जो है अंदर जाके बैठे, अंदर जो कुछ करने करे, तुम्हारी एक टेबल है पत्थर वाली उधर, उसमें रख के जाए, उसमें लेके जाए, गार्ड के टेबल में कुछ नहीं चाहिए। ड्यूटी रात वाला ड्यूटी जो है तभी जाएगा जब दिन वाला आ जाएगा, और उसको वार्निंग दे दो, अगर रोज लेट आता है तो उसको बोलो तुम लेट आया, कल हम लेट आएगा, आपस में स्टार्ट आउट करो। चाबी उसको देने का, पकड़ाने का, बुक सब कुछ, ऐसा छोड़ के नहीं जाने का। किसी कोई तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। उस आदमी की टोपी का यम पावर की टोपी चाहिए, सॉरी ग्लोबल, ग्लोबल दिमाग खा गया मेरा, ग्लोबल की, ग्लोबल सिक्योरिटी, ग्लोबल की चाहिए। चलो जाओ, एक ही चीज बोलने का जरूरत नहीं। बिल्डिंग वालों को सबको समझ में आया ना जो बताया सर ने, वो आपको ध्यान में रखते हुए ये सब नियम रूल्स एंड रेगुलेशन पालन करना है। बिल्डिंग वालों को जय हिंद बोलो, मैं आऊंगा, खड़ा होने की जरूरत नहीं किसी को, अपना बैठे अपना काम करते रहो, लेकिन ये नियम फॉलो करो, सम्मान सबका करना है, ठीक है? जी सर, यस सर, थैंक यू।